सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने पहुंचे अदाकार विद्या ते जमवाल मत्था टेके परिक्रमा करके कीती सरबादे भले दी अरदास जूठे बर्तना दी भी कीती सेवा अपनी फिल्म IB-71 दी रिलीज तो पहला नतमस्तक होए सचखंड श्री हरिमंदर साहब। पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने की क्या आओ जानते हाँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और द्वाबा में जो आजमपुर में एफओ स्टेशन है हम पोस्टेड थे, वहाँ पर मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। मेरी पहली प्रोडक्शन है सो बहुत ज़रूरी था कि जहाँ से शुरुआत की है वहाँ पे आया जाए, सो बहुत ज़रूरी था कि मत्था टेका जाए यहाँ पे। सो मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस नई पिक्चर के बारे में कि फौज में हमेशा पिक्चरें बनती हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि सीक्रेट सर्विस जो खुफिया विभाग है हमारे कई लोग उस पर होते हैं। अभी भी हमारे बीच में कोई हो सकता है वो आदमी जो खुफिया विभाग का आज तक बनी नहीं है। हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं जहाँ पे लोग FBI, CID, CBI इन सब के बारे में जानते हैं, पर इंडिया का कोई नहीं जानता है। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो पर पहली फिल्म है ये, 71 में जो जंग हुई थी उस बारे में है और आज तक इस पर फिल्म बनी नहीं है। बहुत मेरे फादर आर्मी में थे और मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ उनको बहुत कम जानकारी है इस जंग के बारे में। वो सोचते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी, उनको ये नहीं पता कि चाइना भी उनके साथ था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान उस समय इंडिया में अटैक करने वाले थे और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है, ठीक हो आप, उन्होंने जो हैरत अंगेज कारनामा किया था, जो इंडियन सीक्रेट सर्विस है दुनिया की नंबर वन है कोई नहीं जानता, उसके ऊपर ये फिल्म है। क्या अपने पिताजी का जो एक मैसेज था उसको भी इसमें लाने का प्रयास किया? नहीं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो फिल्में बनाते हैं हकीकत से दूर है। ये 50 साल पहली कहानी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशन है जिसको अंडर रैप रखा गया था, किसी को बताया नहीं गया था। अब हमें परमिशन मिली है सो हम बता रहे हैं कि 30 एजेंट इंडिया से पाकिस्तान गए थे और किस तरह से हिंदुस्तान की जीत 13 दिन में की थी। मैं आपको समझाता हूँ, अभी रशिया में जंग कर रही है यूक्रेन पे, एक साल हो गया है, 65,000 के करीब लोग मर चुके हैं, मगर ये जो जंग की थी हिंदुस्तान ने 13 दिन में हरा दिया था दूसरे मुल्क को। अब सोचिए क्या इंटेलिजेंस सर्विस का उपयोग किया गया, आज तक कभी बात नहीं हुई है। सो आई थिंक अब समय आ गया बात करें। लाइक यू आर वेल नोन फॉर बीइंग एक्शन हीरो, इंडियाज नंबर वन एक्शन हीरो, इसमें किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा? नहीं, ये हकीकत पे फिल्म बेस्ड है तो 95% जो आप देख रहे हैं बिल्कुल हकीकत है, रियलिटी है। 5% हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, नहीं तो डॉक्यूमेंट्री लगती। बिल्कुल, ये 29 जाबाज लोगों की कहानी है जिन्होंने हिंदुस्तान, एक गंगा अटैक हुआ था, गंगा हाईजैक के बारे में फिल्म है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पंजाब आना बहुत ज़रूरी था, यहाँ आना बहुत ज़रूरी था मत्था टेकने के लिए। जैसे मैं इनको बता रहा था यहाँ से शुरुआत की थी, मैं द्वाबा में रहा हूँ 3 साल, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, तो यहाँ पे आके मत्था टेक के प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करना ज़रूरी थी। हरिमंदर साहब आए, क्या विनती की आप फिल्म को? आपको थोड़ी बता दूंगा क्या विनती की है, मगर मन से बहुत मांगा है। बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, अपने परिवार में भी, आसपास भी, अंदर समय मिला बैठने के लिए, सबके लिए मांगा है। आज ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं जानता हूँ या जिसको नहीं जानता हूँ उसके लिए नहीं मांगा। जैसे आपने कहा कि पंजाब से आपका बहुत प्यार है, पंजाब में आप रहे भी हैं, क्या कभी पंजाबी फिल्म करना चाहेंगे आप? नहीं, पंजाबी फिल्म तो ज़रूर करना चाहूँगा, पर समय सही होना चाहिए फिर सब हो जाएगा। खाने के आप बहुत शौकीन है, क्या अमृतसरी फूड टेस्ट किया जी? अभी शुरुआत हुई है, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, पूरा घूमने वाला हूँ मैं, साथ चलिएगा आप लोग। घूमेंगे आप? चलेंगे तो घूम सकते हैं, आपके साथ ही चलेंगे जरूर जी। 12 मई को आ रही है रिलीज IB-71। मैं बहुत सालों बाद पंजाब आया हूँ, मैं चाहूंगा दर्शक प्लीज आके देखिएगा, और बाकी के इंटरव्यू होटल में कर सकते हैं।